हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक और लॉन्ग हेयर कट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि बहुत ही प्यारा सा सैग स्टेप्स कट करके देने वाली हूँ। लेंथ ज़्यादा शॉर्ट नहीं करनी है, तो जिस हिसाब से इन्होंने बोला है कि 1.5 से 2 इंच ही शॉर्ट करना, तो उस हिसाब से लेंथ को ध्यान में रखते हुए कट करके दूंगी। तो आप देखिएगा लास्ट में इनकी लेंथ भी मेंटेन रहेगी और बहुत ही प्यारा सा इसमें स्टेप्स भी ऐड हो जाएगा। फुल लेंथ हैवी स्टेप्स कर दूंगी ताकि जब ये अपने बालों को ओपन रखें, क्लच करें, तो बहुत ही सुंदर सा उसमें स्टेप्स लुक दिखाई दे। तो कटिंग करने के पहले जितने भी सेक्शन हमें डिवाइड करने हैं हेयर की थिकनेस के हिसाब से, उसको निकाल के हम सिक्योर कर देंगे। तो जो सेक्शन हम निकालते हैं ना, वो थिकनेस वाइज कम ज़्यादा हमें करने होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कम से कम 5 to 6 या सेक्शन डिवाइड करूँगी। तो टॉप एरिया से बॉक्स पार्टिंग करते हुए निकालना है। बॉक्स पार्टिंग इसलिए, जैसे ये चौकोर शेप में होता है, ठीक है, स्क्वायर। लॉन्ग हेयर कट करने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हमें कोमिंग में करना होता है। जब हम कोम करते हैं हेयर्स को सुलझाने के लिए, ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, तो काफ़ी टाइम उसमें लगता है। शॉर्ट हेयर में क्या रहता है कि कोमिंग जल्दी हो जाती है, उसमें कम प्रॉब्लम होती है, लेकिन लंबे बालों पे सबसे ज़्यादा वर्क हो जाता है कोम करने में। इसलिए शॉर्ट हेयर की अपेक्षा जब हम लॉन्ग हेयर पे कट करते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद मैं कान के पीछे से हेयर को निकाल रही हूँ, इसको भी सिक्योर कर दूंगी। वीडियो मैंने नॉर्मल स्पीड में रखा हुआ है, बल्कि मैं और आराम से करके दिखा रही हूँ ताकि डिटेल प्रोसेस समझ में आ सके, ठीक है। तो इस तरीके से कॉर्नर से मिलाते हुए हेयर को निकालना है। दोनों तरफ के हेयर को सिक्योर कर दे रही हूँ मैं। इससे ये फायदा होगा कि जब आप कटिंग करोगे तो आपको बस क्लिप ओपन करनी है और कट कर देना है। अभी जो बीच वाला हेयर है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका है, दोनों तरफ फिंगर को रखें और अंदर की तरफ पुल करें, सेक्शन डिवाइड हो जाएगा। कोई मेहनत नहीं, कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपकी फिंगर ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो जब आप हेयर को कोम करोगे तो लाइन आपको दिख जाएगी। अगर ऊपर नीचे लग रहा है तो उसको क्लियर कर ले। मेरा यहाँ पे एकदम इक्वल है, तो मैं बस हेयर को डायरेक्टली सिक्योर कर दे रही हूँ। तो ये हमारा सेक्शन डन हो चुका है। तो थिकनेस के हिसाब से 4, 5, 6 इस तरीके से आप 7 भी कर सकते हो। अगर इनसे भी ज़्यादा घने हेयर पे आप कट कर रहे हो तो आप सेक्शन बढ़ा सकते हो, और पतले हेयर पे कर रहे हो तो कम भी कर सकते हो। अब जो सबसे पहले हमारा जो टॉप एरिया वाला हेयर है, उसको मैं 90° एंगल पे लेके गई हूँ, देखिए इस तरीके से, और इसको शोल्डर के पास से मेजर करते हुए इक्वल कट कर दे रही हूँ। तो जो ऊपर वाला हेयर कट होता है ना, वो ज़्यादा ही कट होता है। हमें मेन नीचे की लेंथ को ध्यान रखना होता है, और ऊपर में जैसे गाइडलाइन में बना भी रही हूँ तो उसको शोल्डर से नीचे ही रखते हुए थोड़ा सा कट करूँगी, क्योंकि जितना लॉन्ग गाइडलाइन हमारी होगी उसी हिसाब से हमारे नीचे वाले हेयर भी बचेंगे। अगर गाइडलाइन बहुत शॉर्ट हो जाएगी तो फिर नीचे की लेंथ भी उसी हिसाब से कट होगी ना। तो मेन आपको गाइडलाइन बनाते समय चीज़ को ध्यान रखना है। अब इस वाले पार्ट्स को देखिए मैं ओपन कर रही हूँ, एक साथ ऐसा मिक्स कर लेना है। अब जैसे कि बीच वाला, अगर आप फ्रंट से बैक तक देखो तो 3 सेक्शन हो गए, और ईयर टू ईयर कितना हो गया, 2, तो 5 सेक्शन हुए टोटल। लेकिन अगर और ज़्यादा किसी का घना हेयर है, उस पर कटिंग कर रहे हो, तो ये आप पार्टिंग थोड़ी सी बढ़ा लोगे। 3 की बजाय आप उसमें 4 या 5 भी सिर्फ बीच वाले पार्ट्स में कर लीजिएगा, और ईयर टू ईयर में आप जो है 2-2 सेक्शन कर लें। तो गाइडलाइन के साथ देखिए इसको भी मिलाते हुए बराबर कट कर देना है। अब जो लास्ट नीचे वाला हेयर बचा है उसको भी एक साथ उठाएंगे। अगर आपको ग्रिप करने में प्रॉब्लम हो तो आप ना एक्स्ट्रा हेयर को निकाल के सिक्योर कर दें, बस गाइडलाइन के लिए थोड़े से हेयर को निकाल के कटिंग करने वाले हेयर के साथ मिक्स करते हुए कट कर देना है। देखिए कोम में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए जब आप हेयर को रेडी करते हो कटिंग के लिए, तो उस टाइम पे खूब अच्छे से उसको डिटेंगल कर लें कोम करके। अब आखिरी जो हेयर लेंथ देखिएगा कितना कट हो रहा है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा, सिर्फ नीचे का जो अनइवन हेयर था सिर्फ उतना कट हो रहा है।
ये बीच वाला सेक्शन डन हो गया है, इसको एक बार हम फिर से रीचेक कर लेंगे अच्छे से। अब इस कटिंग के साथ में आपको कोई एक्स्ट्रा कटिंग मिक्स करने की जरूरत नहीं है, एक ही कटिंग से बहुत ही हैवी लुक आ जाएगा इसमें। अब जैसे ये वर्किंग है, मतलब स्कूल टीचर है, तो इनको सामने से ऐसा कोई भी शॉर्ट लुक नहीं चाहिए था, सिर्फ इनको अच्छे हैवी स्टेप्स चाहिए था ताकि जब ये स्कूल जाएं तो बस क्लच करके भी जाएं तो अच्छा लगे। अब ये कान के पास वाले हेयर को ऐसा ओपन करेंगे, गाइडलाइन सामने से बैक तक इस तरीके से निकाल लेंगे। साइड वाले हेयर को क्लिप कर दें ताकि कोम्ब के टाइम पे वो फंसे नहीं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन भी मैं अच्छे से करते हुए चलूँ। यहाँ पे मैं तुरंत आपको ओरिजिनल साउंड के साथ बताते हुए वीडियो देती, लेकिन और भी लोग पार्लर में बैठी हुई थी तो वो लोग आपस में बहुत बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फिर आपको डिस्टर्बेंस हो जाता है काफ़ी, जैसे हंसना, बात करना, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, तो फिर ऐसे में नहीं जमता है, बाद में वॉइस ओवर करनी पड़ती। तो इसको देखिए डायरेक्ट 90 डिग्री पर ले जाके कट कर देना है। 90 डिग्री इतना परफेक्ट और इतना इजी होता है कि आपसे गड़बड़ होगा ही नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा पोजीशन जाती है। हाँ, अगर आप विगनर हो तो आपका जैसे 95 डिग्री बोलो तो उसमें आपसे थोड़ी गड़बड़ होने के चांसेस हैं भी, लेकिन 90 डिग्री तो बिल्कुल सीधा ही जाता है, तो उससे आपसे गलती होने के कभी चांसेस ही नहीं है। इसलिए ये जो प्रोसेस है मैं 90 डिग्री पे बता रही हूँ ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो कटिंग करने में। यही कटिंग मैं आप लोगों को 95 डिग्री एंगल पे भी बताऊंगी, 190 डिग्री और 180 डिग्री पे भी करके बताने वाली हूँ, अलग अलग हेयर्स पे अलग अलग तरीके से बताऊंगी ताकि आप भी सीख सकें कि कौन से हेयर पे कैसे करके दे सकते हैं। अब इधर भी सेम वैसे ही प्रोसेस कंप्लीट करना है। रूट से अच्छे से कोम करें, जब तक आपको लगे ना कि हेयर कोम नहीं हुआ तब तक आप कोम करते रहें, बिल्कुल भी छोड़े नहीं कि बस ऊपर ऊपर कोम हो गया है आप कट कर दें, नहीं, जब आपके नीचे से हेयर अच्छे से ऊपर की तरफ चले जाएं तभी करें। तो हाइट देखिए ऊपर की तरफ लेके गई और इक्वल कट कर दी और ये हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, आप में से बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैं कौन सा ब्रांड का सीजर यूज़ करती हूँ, तो मुझे ज़्यादातर आइकॉनिक का पसंद आता है और बाकी अदर ब्रांड का भी मैं रखती हूँ, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हुई है तो वो वीडियो आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें मैंने 2-3 सीजर का रिव्यू दिया हुआ है, बताया हुआ कि आप कौन कौन सी सीजर ले सकते हैं। आइकॉनिक क्या है कि प्रोफेशनल है, थोड़ी कॉस्टली आती है लेकिन काम बहुत अच्छा करती है, ऐसे हैवी हैवी हेयर्स भी ना बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। अब लास्ट में क्या करेंगे, नीचे से हेयर को ट्रिम कर देंगे, तो यहाँ पे यू कट दे रही हूँ, सेंटर पार्ट से हेयर को लेना है पहले, इसको हम बराबर कट करेंगे। स्टेप्स कट करने के बाद अगर आप हेयर को ऐसे ही छोड़ देते हो तो वो हेयर बहुत ही अजीब लगेगा, बहुत ही ज़्यादा, ऊपर ऊपर से तो सुंदर दिखेगा लेकिन जो नीचे का शेप है वो बहुत ही गंदा दिखेगा, तो उसमें आखिरी में आपको इस तरीके से स्टेप्स कट जरूर देना है। वैसे मैं लगभग हर एक कट में बताती हूँ कि लास्ट में आपको ये प्रोसेस करना ही करना है, चाहे आप लेयर कट करें या स्टेप्स कट करें। तो जितना इनका हेयर नीचे से अनइवन था सिर्फ उतना ही कट हुआ है, क्योंकि जब आप बहुत टाइम तक हेयर कट नहीं लेते हो ना तो हेयर नीचे नीचे से ना काफ़ी अनइवन सा या बहुत ही रफ डैमेज दिखने लगता है, बस उतना कट कर दें, बाकी पूरा इनका जो हेयर लेंथ है काफ़ी अच्छा हेल्दी हेल्दी सा दिखेगा। लेंथ मैंने पूरी मेंटेन रखी हुई है। तो डीप यू कट का लुक दे रही हूँ, बट नीचे से ही मैं डीप नहीं कर रही हूँ, ऊपर की तरफ जाते हुए हल्का डीप करूँगी, सेंटर पार्ट से मैंने नॉर्मल यू रखा हुआ है। यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट, तो देखिए काफ़ी घना घना सा भी दिख रहा है और ये ड्राई जब हो जाएगा तो और अच्छा लगने वाला है। ब्लो ड्राई के लिए सेक्शन वाइज हेयर को इस तरीके से लेना है और ये जो राउंडर ब्रश मैं यूज़ करती हूँ ये भी आइकॉनिक ब्रांड की ही है, अगर आप एक बार ले लेते हो ना तो ये बहुत लॉन्ग टाइम चलता है, मेरा तो कई साल हो गया इसको लिए हुए, बहुत अच्छे से अभी भी काम कर रहा है। और जो ये ड्रायर यूज़ करी ये वैसे तो बहाल ब्रांड का है,
ऑर्गन केयर के साथ में इसको यूज करती हूँ। बाकी मेरे पास आइकॉनिक का भी है, तो काम के हिसाब से मैं यूज कर लेती हूँ अलग अलग। और ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत कमेंट आने लगता है कि मैम आप ये कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप कौन से ब्रांड का है, कहाँ से लिए हो। तो ये सब चीज़ें ऑफलाइन है, मार्केट से परचेज की हूँ, कोई ऑनलाइन नहीं है, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है ऑनलाइन। और ये है इनके हेयर कट का फाइनल लुक, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा आप लोग। अब जितना ज़्यादा हेयर को मैं ऐसा फ्री करूंगी या फिंगर चलाऊंगी, कोम चलाऊंगी, उतना ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। देखिए हेयर कट ऐसी चीज़ है ना कि लोगों को बहुत ज़्यादा मन में डर रहता है कि कहीं छोटे ना हो जाएं, या फिर कट तो करा लेंगे बट अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो पहले तो क्लाइंट की बातों को अच्छे से सुने समझें, और ये भी देखें कि उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, उनके हेयर के हिसाब से, उनके प्रोफेशन के हिसाब से कौन सा कट अच्छा लगेगा। जैसे कि ये कट जो मैं करके दी हूँ, इनके हिसाब से बहुत ही परफेक्ट जा रहा था। अब ये सिंपली क्लच करेंगी और आराम से स्कूल जाएंगी, बहुत अच्छा लगने वाला है। आप लोगों को कैसा लगा ये हेयर कट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे मेन ना इनको ऐसा क्लच वाला स्टाइलिश लुक चाहिए। इसके पहले भी इन्होंने कट कराया था तो मैंने ऐसा कट करके दिया था, जो कि बहुत पसंद की थी। चलिए फिर मिलते हो एक नई वीडियो के साथ में। लव यू ऑल, बाय गाइज।